हरे कृष्णा। आज मैं आपको इस टॉप की स्लिप्स बनाना बताऊंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक स्लिप्स कंप्लीट की हुई है, दूसरी साइड में आपको बताऊंगी किस तरह से आपको स्लिप्स बनानी है। इसको मिड से स्टार्ट करेंगे, बीच में से देखिए, ये मैंने बिल्कुल बीच में जो डिज़ाइन आ रहा था वहाँ से स्टार्ट किया। टू चेन बनाएंगे, जो डबल क्रोशिया आ रहे हैं उन पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये मेरे यहाँ पे वी स्टिच है तो मैं यहाँ वी स्टिच बनाऊंगी। डिजाइन पे डिजाइन बनाते हुए चलेंगे। यहाँ मेरे डिज़ाइन में 5 डबल क्रोशिया आ रहे हैं तो मैं यहाँ 5 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। थ्री फोर फाइव, फिर से 3 चेन, वी स्टिच पे वी स्टिच बनाएंगे। ये मैंने डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है, मैं नीचे साइड में आ गई हूँ, दूसरी साइड में। इधर जो डबल क्रोशिया हैं उन पे हम डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। यहाँ पे हमें फंदे घटाने हैं, डिक्रीज करने हैं बाजू को शेप देने के लिए, इसलिए यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया का हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। बिल्कुल बीच में करना है, बाजू के दोनों साइड से फंदे घटाने हैं। देखिए मैं दोनों साइड से बिल्कुल मिड के घटा रही हूँ। ओके 1, इसको इतना ही बनाना है, फिर दूसरा डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इन तीनों को एक कर लेंगे। इस तरह हमारे यहाँ पे स्लीव्स की शेप आ जाएगी। ये 5 रो तक आपको करना है इसी तरह से, 5 to 6 रो तक। फिर से डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे, जितने हमारे डबल क्रोशिया बचेंगे। लास्ट में आके आपके पास कोई भी यहाँ पे डबल क्रोशिया नहीं बचेगा, केवल डिज़ाइन ही बचेगा। जब आपके पास डिज़ाइन ही बचे तब आपको फंदे घटाने बंद कर देने हैं। देखिए
यहाँ तक हमारा डिज़ाइन है और ये सारी डबल क्रोशिया हम हर रो में दोनों साइड से एक एक डबल क्रोशिया कम करते जाएंगे, इस तरह से हो जाएगा। और इसके बाद से आपके पास केवल डिज़ाइन बचेगा। ये मैंने कंप्लीट कर लिए स्लीव्स। यहाँ पे ये इस तरह से मैंने दोनों साइड से एक एक क्रोशिया घटाती डबल क्रोशिया कम करती गई हूँ, और जब मेरे पास सिर्फ एक डबल क्रोशिया बचा तब मैंने इसको घटाना बंद किया। अब मैं आपको आगे का डिज़ाइन बता रही हूँ किस तरह से स्लीव्स में जो आगे बॉर्डर बनाए हुए वो मैंने किस तरह से बनाया है। उनको हुक पे टर्न करेंगे और हुक को डबल क्रोशिया के अंदर से लेंगे। ये बाहर की साइड हुक को मैंने अंदर से लिया है, सेकंड में पीछे की साइड से हुक को डबल क्रोशिया में डालेंगे, थर्ड में फिर बाहर की साइड से इस तरह से हुक को एंटर करेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार अंदर की साइड से एक बार बाहर की साइड से हुक एंटर करेंगे इस तरह से। सेकेंड रो में भी हमें जहाँ हमने बाहर की साइड से लिया है डबल क्रोशिया उस पर बाहर की साइड से लेंगे, और जिसमें हमने अंदर की साइड से लिया है उसमें अंदर की साइड से लेंगे। ये डिज़ाइन बॉर्डर में बहुत ही सुंदर लगता है। थर्ड रो में भी हमें वैसे ही करना है, जिसमें हमने बाहर की साइड से लिया उसमें बाहर की साइड से लेंगे, और जिसमें अंदर की साइड से लिया उसमें अंदर की साइड से, इस तरह से डिज़ाइन आ जाएगा। ये जो बाहर की साइड से है उसको बाहर की साइड से ही लेंगे।
ये मेरा कंप्लीट हो गया है। ये बनने के बाद से कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। अगर वीडियो अच्छी इस तरह से शेप आ जाएगी, वीडियो अच्छी कर लगे तो लाइक करें। थैंक यू।